हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था हाउ टू इंस्टॉल बेस ट्यूब। तो उस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीका बताया था बेस ट्यूब को गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि उसके पीछे जितने भी बटन्स होते हैं उनकी सेटिंग कैसे करनी है। तो उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसका जो एम्पलीफायर है वो कहाँ है और जो इसके पीछे ये बटन दिए गए हैं इसकी सेटिंग कैसे करनी है और ये क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बेस ट्यूब के पीछे जितने भी बटन होते हैं उनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे उनकी सेटिंग करनी है और कैसे उसके साउंड को आपको सेट करना है। और दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि इस बेस ट्यूब का एम्पलीफायर कहाँ है या फिर अलग से एम्पलीफायर लगाया, तो मैं आपको बता दूं, ये इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ बेस ट्यूब आती है जो कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर लगाई हुई है। जो इस बेस ट्यूब के पीछे ब्लैक कलर की पूरी पट्टी आपको ये दिख रही होगी जिसके अंदर वायरिंग होती है और जो बटन लगे होते हैं ये पूरा ही इसका एम्पलीफायर होता है, तो इसमें अलग से एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये है वो बेस ट्यूब जो कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की हुई है और यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से बेल्ट से लगाया हुआ है। और दोस्तों, इसको मैं पहले यहाँ से बेल्ट से निकाल लेता हूँ, उसके बाद इसके जो बटन है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इस बेस ट्यूब के पीछे सारे बटन दिए गए होते हैं और जो इसकी वायरिंग वगैरह है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको वायरिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, जो इसमें तीन बटन दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो बटन इसमें यहाँ पर दिया गया है ये होता है वॉल्यूम का। इससे हम इस वॉल्यूम के बटन से क्या होता है, जो इसकी बेस होती है यानी कि जो बेस ट्यूब की बेस निकलती है, तो उस बेस को यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप अपनी गाड़ी के म्यूज़िक प्लेयर में कोई भी सॉन्ग प्ले करोगे और उसके बाद आप म्यूज़िक को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी की जो वोकल साउंड है वो कम है और बेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर आप इस बटन से उस बेस को एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। तो इस बटन का तो ये काम होता है। तो इस वॉल्यूम बटन की जो सेटिंग है वो मैं हमेशा फुल पर ही रखता हूं, आप अपने हिसाब से कर लेना, वैसे फुल पे ये सबसे अच्छा चलता है। और दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला बटन है ये वाला बटन, और इस वाले बटन से हमारे बेस ट्यूब की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मतलब दोस्तों जो हमारी बेस ट्यूब के अंदर से घूं घूं करके जो साउंड निकलता है जिससे हमारी गाड़ी के डोर के विंडो में भी वाइब्रेट होने लगती है, तो उसको हम इस बटन से कंट्रोल करते हैं। और फ्रीक्वेंसी बटन की जो सेटिंग है उसको मैं बिल्कुल मिडल में रखता हूँ, ना ही कम पे रखता हूँ और ना ही फुल पे रखता हूँ, उसको मैं रखता हूँ बिल्कुल मिडल में। आप अगर चाहो तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी बटन की सेटिंग भी हमें समझ आ गई है। और अब बात कर लेते हैं हमारा जो तीसरा बटन है जिसके ऊपर लिखा होता है क्रॉसओवर। तो ये वाला बटन हमारा क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा दूं, ऊपर की साइड इस पे लिखा होता है क्रॉसओवर और नीचे की साइड लिखा होता है इस बटन के, एक साइड लिखा होता है बेस और एक साइड लिखा होता है फुल। और अब जान लेते हैं ये बटन काम क्या करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस साइड इसमें बेस लिखा होता है, अगर हम इस बटन को बेस की साइड रखेंगे तो हमारी जो बेस ट्यूब होती है उससे सिर्फ हमारा बेस आएगा, यानी कि बेस ट्यूब के अंदर से ओनली धमक आएगी, जैसे डीजे में आती है वैसी ही धमक इसके अंदर से आएगी और कुछ साउंड नहीं आएगा। और दोस्तों, अगर इस क्रॉसओवर के बटन को हम कर देते हैं फुल की साइड, यानी कि इसका मोड जो है फुल की तरफ कर देते हैं, तो हमारा जो बेस ट्यूब है इसमें धमक तो रहेगी रहेगी, यानी कि जो बेस आती है वो तो रहेगी रहेगी, साथ में इसमें वोकल साउंड भी आएगा। वोकल साउंड मतलब जैसे जो गाने के लिरिक्स होते हैं, जो बोल होते हैं, वो भी इस बेस ट्यूब के स्पीकर से आने लगेंगे। तो मैं इसकी जो सेटिंग है वो फुल की साइड रखता हूँ, यानी कि मुझे धमक के साथ साथ इसमें वोकल साउंड भी चाहिए होता है। उससे क्या होता है कि दोस्तों, जैसे हमारी गाड़ी के अंदर हम प्रॉपर जो हमारे स्पीकर लगे हैं उनमें इस बेस ट्यूब के सामने उसका जो वोकल साउंड होता है वो थोड़ा कम रह जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसमें से भी वोकल साउंड लेता हूँ, तो पूरी गाड़ी में जो साउंड क्वालिटी है वो एक प्रॉपर क्वालिटी मिलती है। तो आप भी इसकी सेटिंग जो है फुल की साइड रखना, तो आपको एक बहुत ही अच्छा साउंड मिलेगा। बाकी ये अपने ऊपर होता है, आप इसको कहीं पे भी सेट रख सकते हो, ठीक है। और इसकी अगर आप और भी अच्छे से सेटिंग करना चाहते हो यानी कि अपने हिसाब से, तो आप अपने म्यूजिक सिस्टम में एक गाना जो भी आपको पसंद होगा वो प्ले करना, और उसके बाद आपको इसकी फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम और जो क्रॉसओवर है ये सारे बटन अपने हिसाब से सेट करना, जहाँ पर आपको म्यूजिक साउंड अच्छा लगेगा वहाँ पर आप इसकी सेटिंग रख सकते हो। और आज की वीडियो के जो 5 कमेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर आप भी चाहते हो कि अगली वीडियो में आपका कमेंट शो हो जाए, तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बेस ट्यूब के बारे में सारी चीज समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए सबसे पहले। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।